Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर? ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधा अग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तुम 60 सहस्र वर्षों तक कई ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय। जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी, हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री के पति हैं, हमारे जमाता हैं, किंतु फिर भी हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु, क्या हम अभी वहाँ? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं, इसलिए हम अभी वहाँ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं, वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। जी प्रभु। आप तैयार हो जाइए, वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है। करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना, तो उनका सारा प्रेम मुझे पर उमड़ जाएगा। अरे, सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे,
अब तुम विश्राम करो। जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ? और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए, क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रा मग्न हो गए, फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे, कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते? मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज के पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गई और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं, अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी। मुझे ये ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे, अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो? मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ?
पिताश्री। पार्वती। हाँ प्रभु। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के समय पर अधिकार है, मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। नाना जी अभी यहाँ अकेले हैं, उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुँचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ। भूल गए अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना, मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया। मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं, अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र? मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्म ही मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, 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 चित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि यह अनिष्कारी घटना घटित होने से रुक जाए, यह संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा, और अब गणेश से वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा।
ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः धन्यवाद मेरे मित्र मेरे जन्मदाता आपने मुझे शरीर दिया प्राण दिए तो अब एक नाम भी दे ही दीजिए नाम काम क्रोध मोह मद और मात्सर्य जैसे विकारों को जो अपना गुण मानेगा जो शास्त्रों से विपरीत चलेगा जो धर्म के भी विरुद्ध होगा और जो सत्कर्मों से जिसे घृणा होगी जो क्रूरता से आनंदित होगा जिसके लिए अन्य जीवों को प्रताड़ित करना सब चलता है ही होगा जो ऐसे पाप कुकर्म और अत्याचार करेगा जो सृष्टि की कल्पना से भी परे है जो महाअधर्मी असुर धर्म और सदाचार का अभिशाप बनेगा भंड भंड अब तुम्हारी अगली सीख के लिए हमें आगे जाना है चले मित्र ये असुर तो अच्छाई के उदाहरण से भी बुराई की ही सीख प्राप्त कर रहा है तो मेरा अनुमान सत्य ही था गणेश जी से सुधारने का कितना भी प्रयास क्यों न कर लें किंतु ये कदापि नहीं सुधरेगा आभास करो मित्र अपनी दूसरी सीख मुक्त पवन से प्राप्त करो मित्र जिसका मुक्त प्रवाह सर्वत्र व्याप्त रहता है जो किसी भी जीव जंतु पौधे आदि में कोई भेदभाव नहीं करती जीव छोटा हो अथवा बड़ा समानता के भाव से सभी के जीवन को प्राण वायु प्रदान करती है इसलिए पवन से हमें निष्पक्ष भाव से सभी की सहायता करने की सीख प्राप्त होती है पवन से तो एक ही सीख प्राप्त हुई है मुझे मुक्त रहो सर्वत विचन करो और जब इच्छा हो तब वंडर बनकर सर्वनाश कर दो आओ मित्र आगे प्रस्थान करते हैं
और अब अच्छाई से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण जो तुम्हें इसी आकाश से सीखना होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आकाश की सीमा ही अनंत विस्तार तो हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, क्योंकि आत्मा भी तो अनंत ही है। और जिस प्रकार आकाश में मेघों के छटने पर आकाश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक मोह बंधन रूपी मेघों के छटने पर आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा से एकीकार हो सकती है। अर्थात आकाश से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि ईश्वर की संपूर्ण रचना एक ही है। तुम ब्रह्मांड के भाग हो तो समस्त ब्रह्मांड तुम में ही समाहित है। आकाश के अनंत विस्तार से यही सीख प्राप्त हुई है मुझे कि समस्त सृष्टि में एक ही राजा का अनंत साम्राज्य होना चाहिए और वो साम्राज्य मैं ही स्थापित करूँगा। प्रथम पूज्य गणेश द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने में अक्षम है, उससे भला क्या आशा की जा सकती है। इसीलिए इस बालक भंड कुमार के आचरण में किसी सुधार की कोई संभावना नहीं है। गणेश तो उसे सभी उत्तम गुणों की सीख दे रहे हैं और वो उनके अर्थों का अनर्थ कर उनके उत्तम सीखों से बुरा ही आत्मसात कर रहा है। माता पराशक्ति ने सर्वथा उचित कहा था, नियति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। न तो ये भंड कुमार स्वयं में कोई परिवर्तन लाएगा और न ही सृष्टि का वो संकट टलेगा जो ये अधर्मी उत्पन्न करने जा रहा है। अब तो यही उचित होगा कि गणेश जी इसकी वास्तविकता को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये मुझे किस प्रकार के अनिष्ट का आभास हो रहा है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.